नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया फर्स्ट न्यूज में। मैं हूं दृष्टि जैन। पाकिस्तान के कराची में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। यहां कट्टरवादी इस्लामिक आतंकियों ने मंदिर के पुजारी पर हमला किया है, साथ ही भगवान की मूर्तियां और पुजारी के घर पर तोड़फोड़ की गई है। शर्म की बात ये भी है कि इस दौरान बहुसंख्यक मुसलमानों ने इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। यह घटना कराची के कोरांगी 5 नंबर इलाके की है। जानकारी के मुताबिक कोरांगी में श्री मारी माता मंदिर पर बुधवार देर रात में हमला किया गया, जिससे वहां रहने वाले हिंदू समुदाय में डर और भय का माहौल बना हुआ है। इस मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि घटना स्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि और घटना ना हो पाए। साथ ही घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। यहां अक्सर हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान सरकार भी इस तरफ कोई कदम नहीं उठाती। ज्यादातर मामलों में कट्टरवादियों को सजा तक नहीं दी जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 75 लाख हिंदू रहते हैं। वहीं हिंदू कम्युनिटी के माने तो पाकिस्तान में करीब 90 लाख हिंदू रहते हैं। भारत में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद इस हमले के तार जोड़े जा रहे हैं। ऐसी जानकारियों और वीडियो देखने के लिए इंडिया फर्स्ट को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।